हेलो क्लास, कैसे हैं आप सभी। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्लांट के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पॉइंट्स को पढ़ा था कि प्लांट के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, सेक्सुअल पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, आज हम क्लास में पढ़ेंगे कि ये पोलिनेशन प्रोसेस क्या है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या है। हम पढ़ेंगे सीड का फॉर्मेशन कैसे होता है, सीड का जर्मिनेशन कैसे होता है। चार पॉइंट है यहाँ पर, हमने टॉपिक वाइज आपको लिखाया है तो आप टॉपिक के हिसाब से लिखे। फिलहाल हम इसको अलग अलग टॉपिक बनाकर यहाँ बता रहे हैं। ठीक है, तो आज क्लास है पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन पहले, फिर हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ सीड और जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो पॉलिनेशन का हिंदी क्या है, यहाँ पे परागकण, ठीक है, सॉरी परागण। पॉलिनेशन का हिंदी क्या है, परागण। और एक पॉलिन ग्रेन वर्ड आएगा, उसका मतलब होता है परागकण। क्या है, दोनों में अंतर देखिए, क्या एक है परागकण और एक है परागकण। ठीक है, आप दोनों के अंतर को समझें। रही बात डेफिनेशन की, देखिए पॉलिनेशन इज अ प्रोसेस, पॉलिनेशन यानी परागण एक प्रक्रिया है इन विच जिसमें ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स, परागण एक प्रक्रिया है जिसमें ट्रांसफर होता है किसका, परागकण का, छोटे छोटे दाने का। ठीक है, फ्रॉम द एंथर ऑफ अ स्टेमेन। हमने पढ़ा था कि किसी भी फ्लावर में, फ्लावरिंग प्लांट में क्या होता है कि ऐसे एंथर होते हैं, स्टेमेन पर एक एंथर होते हैं, हमने पढ़ा था। ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारे दानेदार बीज होते हैं, हमने पढ़ा है अपने क्लास में। ठीक है, अभी यहाँ से ये निकल रहा है और दूसरे प्लांट के ये जो प्रोसेस यहाँ से वहाँ जाने का, यही कहलाता है क्या, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इज अ प्रोसेस इन विच ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, यहाँ से पॉलन ग्रेन्स निकल करके यहाँ आ रहे हैं। ठीक है, फ्रॉम द एंथर ऑफ एस्टेमेन, एस्टेमेन के एंथर से, एस्टेमेन के एंथर से निकल करके पॉलन ग्रेन क्या करते हैं, ये कार्पिल के स्टिग्मा पर आते हैं। एस्टेमेन के एंथर से निकल करके कार्पिल के स्टिग्मा पर आते हैं, यहाँ से निकलकर यहाँ तक आते उनका ट्रांसफर होता है, यही प्रक्रिया क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। पॉलिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द कार्पिल। ठीक है, ये टू द स्टिग्मा, फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। पॉलिनेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें पराकर यहाँ से निकलते हैं और यहाँ आते हैं, यहाँ से निकलते हैं और यहाँ आते हैं। ठीक है, इट इज डन बाई एयर, वाटर, इंसेक्ट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इत्यादि। ये किसके द्वारा पूरा हो पाता है, किसके द्वारा ये क्रिया पूर्ण होती है। सबसे पहले देखें कि कण स्वतः यहाँ से निकल कर यहाँ आ तो नहीं जाएंगे, कण को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने के लिए कोई ना कोई फैक्टर चाहिए हमें, तो वो फैक्टर हो सकते हैं एयर, हवा के द्वारा बह करके चला गया, तूफान आई कण को उड़ा कर लेकर चला गया। ठीक है, हो सकता है कीट पतंगों को रस चूसने के लिए उस पर बैठी तितली या मधुमक्खी, ठीक है, बैठे और उसमें उसने रस निकालना शुरू किया, इसी दौरान क्या हो रहा है कि अब इस पर बैठते ही उसके कण चिपक चुके हैं उससे, और इससे उड़कर वो उस पर गया तो साथ साथ कण लेकर चला गया। ठीक है, ये पानी के द्वारा हो सकता है, जैसे नारियल का आपने देखा होगा कि नारियल के फल गिरते हैं दूर बहकर चले जाते हैं, पानी के द्वारा भी होता है। ठीक है, और एनिमल्स के द्वारा भी होता है, जानवर कहीं से गुजर रहे हैं उनका शरीर चिपक गया एक फूल से, आगे बढ़े दूसरे फूल से चिपकते हैं वो, तो ये कण वहीं छूट गए। ठीक है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स इज कॉल्ड पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब कंडीशन आएगा कहाँ से कहाँ तक, तो फ्रॉम द एंथर ऑफ स्टेमेन टू द स्टिग्मा ऑफ अ कार्पिल। ठीक, एंथर ऑफ अ स्टेमेन टू द स्टिग्मा ऑफ अ कार्पिल, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम द स्टेमेन, सॉरी एंथर ऑफ अ स्टेमेन टू द स्टिग्मा ऑफ अ कार्पिल इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, इट इज ऑफ टू टाइप्स, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। आपको जब भी ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछे जाएंगे या 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनेशन, तो साथ साथ आपको ये भी पूछा जाएगा कि
इसके प्रकार कौन कौन से उसको डिस्क्राइब करें। तो पहला प्रकार है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा प्रकार है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है देखिए, तो व्हेन द पॉलन ग्रेन्स, जब परागकण फ्रॉम द एंथर, एंथर से निकलता है ऑफ अ फ्लावर, किसी फ्लावर के एंथर से निकलता है, आर ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा, और एंथर से निकल करके स्टिग्मा पर पहुंचता है, किस स्टिग्मा पर, ऑफ सेम फ्लावर, एक फ्लावर का एंथर से परागकण निकल करके उसकी स्टिग्मा पर पहुंचता है एक फ्लावर से, ठीक है, और अदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट, ठीक है, चाहे वो फ्लावर सेम हो या प्लांट सेम हो। यहाँ पर क्या आया, यदि यदि आप कह सकते हैं क्या कि एंथर, एंथर से निकल करके सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर पड़ता है, एंथर से निकल करके सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर पड़ता है, एंथर से निकल करके सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर पड़ता है, या किसी एक फ्लावर के एंथर से निकल करके दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पड़ता है, बट प्लांट सेम होने चाहिए, आप उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, एक फ्लावर के एंथर से निकल कर उसी की स्टिग्मा पर पहुंचे, एक फ्लावर के एंथर से होकर उसी के स्टिग्मा पर पहुंचे, या एक फ्लावर के एंथर से निकले और दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचे, बट प्लांट सेम होने चाहिए, आप उसको बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, एक फ्लावर के एंथर से निकला और दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचा, बट दोनों प्लांट डिफर होने चाहिए, आप उसको क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। तो अभी तक आपका टर्म देखिए इतना सा ही आ रहा है, आप तीन बातों को पढ़े, अभी पहले पढ़ा आपने पॉलिनेशन क्या होता है, तो पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ट्रांसफर होता है, किसका ट्रांसफर होता है, पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है, कहाँ से कहाँ तक होता है, तो एंथर से स्टिग्मा तक होता है, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा तक, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनेशन। और ये पॉलिनेशन होने के लिए एयर चाहिए, पॉलिनेशन होने के लिए वाटर चाहिए, इंसेक्ट्स चाहिए, कोई ना कोई फैक्टर होना चाहिए, चाहे जो भी हो, ठीक है। ये दो प्रकार का होता है, पहला है आपका सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा आपका क्रॉस पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन क्या है और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, तो सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में आपने पढ़ा, एक फ्लावर के अंतर से निकल कर उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचे, या एक फ्लावर के एंथर से निकले और दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचे, बट प्लांट सेम होने चाहिए, सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा। एक फ्लावर के एंथर से निकले और दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचे, लेकिन साथ ही साथ आपके प्लांट भी डिफर होने चाहिए, आप उसको क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। डाउट है तो आप वापस से पूछ सकते हैं। अब रहा बात फर्टिलाइजेशन का, ये फर्टिलाइजेशन होता क्या, निषेचन कहते हैं इसको हिंदी में, ठीक है, फर्टिलाइज हो गया, निषेचित हो गया। तो आपसे देखें क्या कहता है, जब आपका पॉलिनेशन हो जाता है, पॉलिनेशन हो जाता है मतलब क्या कि स्टिग्मा तक पहुंच जाता है, तब क्या होता है देखिए, तो व्हेन पॉलन ग्रेन्स फॉल ऑन द स्टिग्मा, तो यहां से यहां तक का प्रोसेस तो पॉलिनेशन ही कहलाया। अब आती है बात फर्टिलाइजेशन की, देन देन इट जॉइंट्स विद द फीमेल गैमेट। मतलब बात ये आई कि आपका जब परागकण यहाँ से उड़ करके यहाँ तक पहुँच गया तो पॉलिनेशन कहलाया ये। अब इसके नीचे जो प्रोसेस होगा वो सब किस में आएगा, फर्टिलाइजेशन में। उसमें क्या होता है, क्या होता है कि ये जो आपको पॉलन ग्रेन से वो ज्वाइंट करते हैं, किससे ज्वाइंट कर जाते हैं, फीमेल गैमेट से। यहाँ पर देखिए, मेल गैमेट में, सॉरी, पॉलन ग्रेन्स में मौजूद होता है एक मेल गैमेट, यहाँ ब्लैक कलर का स्पॉट दिख रहा है, मेल गैमेट, और यहाँ फीमेल गैमेट, ये मेल गैमेट का यहाँ से निकल कर यहाँ आकर मिल जाए, यहाँ के दो हो गए ना, यही प्रोसेस क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो आप ध्यान दें, ओके, व्हेन पॉलन ग्रेन्स फॉल ऑन द स्टिग्मा देन इट जॉइंट्स विद द फीमेल गैमेट प्रेजेंट इन ओव्यूल, ओव्यूल में मौजूद जो फीमेल गैमेट है उससे ये पॉलन ग्रेन्स जाकर के जुड़ जाते हैं, और यही प्रोसेस कहलाता है फर्टिलाइजेशन। और ये होता कैसे देखिए, पॉलन ग्रेन्स बर्स्ट स्टिग्मा। अब देखिए, जैसे यहाँ पर ये पॉलन ग्रेन में क्या होता है, शार्प होते हैं बहुत ज़्यादा, वो दिखने में बहुत छोटे होते हैं, वैसे दिखते नहीं है, माइक्रोस्कोप से देखने पड़ते हैं, ठीक है, जब आप उसे देखेंगे तो आपको वो बहुत नुकीला दिखेगा, शार्प दिखेगा।
तो जैसे ही पॉलिन ग्रेन उड़कर स्टिग्मा पर पड़ता है, पड़ते उसे तोड़ देता है, ब्रस्ट कर देता है, ठीक है, और स्टाइल के थ्रू नीचे आ जाता है। स्टाइल क्या आपने पढ़ा था, ठीक है, वो कार्पिल का पार्ट होता है स्टाइल, जो जॉइंट रहता है, आप फूल सब में देखते होंगे कि ऊपर से नीचे तक ऐसे कनेक्टेड पतली सी पाइप होती है, उसको हम लोग स्टाइल बोलते हैं, ठीक है। तो स्टाइल मतलब कुछ और नहीं, तो क्या देखिए, पॉलन ग्रेन बस्ट स्टिग्मा, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा को क्या करता है, तोड़ देता है और नीचे चला जाता है, किसके थ्रू, स्टाइल के थ्रू। तो इसको उसने तोड़ दिया और यहाँ ऑलरेडी स्टाइल मौजूद होते हैं, इसको तोड़ा और इसके थ्रू कहाँ आ जाते हैं, वो नीचे आ जाते हैं, नीचे आ रहे हैं, नीचे खुद नहीं आ रहे, पॉलन ट्यूब को बढ़ा रहे हैं। ये जो गैमेट है, मेल गैमेट, ये पॉलन ट्यूब को नीचे तक बढ़ाते, देखिए पॉलन ट्यूब को नीचे तक बढ़ाते हैं। मेल गैमेट मूव्स डाउन पॉलन ट्यूब, मेल गैमेट क्या करता है, पॉलन ट्यूब को नीचे बढ़ाता है, व्हिच बर्ड व्हेन कंबाइन विद ओव्यूल, और जब ये ओव्यूल के पास आ जाता है, इसे सरकता है, तो अपने आप ब्रस्ट कर जाता है, और ब्रस्ट करने के बाद क्या होता है, मेल गैमेट इसमें से यहाँ से निकल कर अंडर से जुड़ जाता है। मेल गैमेट मूव्स डाउन पॉलन ट्यूब को नीचे करता है, व्हिच बर्ड व्हेन कंबाइन विद ओव्यूल, और ये ओव्यूल से जुड़ने के बाद क्या करता है, ब्रस्ट कर जाता है। मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट कंबाइंस एंड फॉर्म, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट कंबाइन, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट क्या करते हैं, आपस में संलयित हो जाते हैं, मिल जाते हैं और फॉर्म करते हैं एक फर्टिलाइज्ड एग को, और ये पूरा का पूरा प्रोसेस कहलाता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो आप इसको ध्यान ले लेंगे। वैसे यहाँ पर कुछ पार्ट्स देखिए, जो आपको दिख रहा है वो शार्प सा पार्ट, वो है आपका मेल, सॉरी पॉलन ग्रेन, उसमें जो दाना दिख रहा है वो है मेल गैमेट, इसका जो ट्यूब आगे बढ़ा हुआ है, ये ट्यूब आगे बढ़ा हुआ है, इसको कहते हैं हम लोग पॉलन ट्यूब, ठीक है। बाकी ये पार्ट कहलाता है आपका ओवरी, मैंने लिखा नहीं है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं, इस इमेज में भी आप नाम लिख लेंगे सेम, ठीक है, ओवरी कहते हैं। और ये जो भाग दिख रहा है आपको, जो कि बीच में जहाँ फर्टिलाइज एग हो जाएंगे, और उस फर्टिलाइज एग का जो प्रोटेक्शन देता है, ठीक है, उसकी जो रक्षा करता है, इस प्रकार का इमेज है, यहाँ दो दो दाने हैं यहाँ पे, ठीक है, ये जो आपको रक्षा करता है, ये कहलाता है आपका ओव्यूल, ठीक है। और ये तो आपका मेल फीमेल गैमेट था, ये मेल गैमेट हो गया, और यहीं पे बनता है फर्टिलाइज्ड एग, जायगोट, यही बनता है जायगोट, और यही बाद में बीज बनता है, हम लोग अब पढ़ेंगे।